नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राजस्थान स्टेट ओपन के रिजल्ट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको राजस्थान स्टेट ओपन क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट चेक करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको राजस्थान स्टेट ओपन का रिजल्ट चेक करना है। तो आपको बता दें, रिजल्ट चेक करने के लिए आपको गूगल क्रोम या अन्य कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialive.com। आपको क्या सर्च करना है, तो आपको सर्च करना है educationindialive.com। गूगल में ये सर्च करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर जो सबसे ऊपर वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। वेबसाइट दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो आप देख पाएंगे RSOS 10th 12th रिजल्ट 2023। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है। पोस्ट दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे RSOS 10th क्लास रिजल्ट 2023 डायरेक्ट लिंक और RSOS 12th क्लास रिजल्ट 2023 डायरेक्ट लिंक। आपको जिस किसी क्लास का रिजल्ट देखना है उसके सामने जो डायरेक्ट लिंक लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पर हम अभी आपको 10th का रिजल्ट चेक करके दिखाते हैं, तो आपको 10th क्लास रिजल्ट 2023 डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने एनरोलमेंट आईडी यानी नामांकन नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस बॉक्स में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फिल करना होगा। जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन होगा। उस कैलेंडर में से आपको यहाँ पर सबसे पहले साल सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आएंगे कैप्चा कोड के सेक्शन में। यहाँ पर जो भी बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, जोड़ घटाव आदि, उससे आपको यहाँ पर करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिजल्ट के स्टेटस में आपको पास या फिर फेल, इसके साथ ही अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया है तो उसकी भी यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म देखने को मिल जाएगी। इस मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड मार्कशीट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके फोन या कंप्यूटर में ये मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी। ये थी पूरी जानकारी राजस्थान स्टेट ओपन रिजल्ट चेक करने को लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।